आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन और इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है, आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या है और क्या क्या है, सब कुछ ओवरऑल पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से बारे में है, कैसा बॉन्ड बनता है, कैसा चीज़ है, पूरा टोटली ऑल अबाउट हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ अराइज होता है कि ये जो कार्बन है, हमें कार्बन के बारे में क्यों पढ़ना है। तो मेन इसका जो रीज़न है, कार्बन के बारे में हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि कार्बन हर चीज़ में प्रेजेंट है, चाहे थोड़ा बहुत ही हो, लेकिन पाया जाता है हर चीज़ में। वैसे तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। इसकी खूबी क्या है? ये नॉन मेटल है, एक जिसका सिंबल है सी। तो कार्बन को हम सी से दिखाते हैं। अगर हम देखें कि कितना पाया जाता है, तो जो अर्थ है, अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में ये टोटली आपका जो मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है वो 0.02% पाया जाता है। लेकिन अगर मैं एटमोसफेयर की बात करूँ तो ये एटमोसफेयर में आपका 0.03% के अप्रॉक्स पाया जाता है। ठीक है, ये तो रहा आपका कि कितना पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट्स, मतलब आपका किस फॉर्म में कितना पाया जाता है। उसके बाद जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी चीज़ होते हैं, सब के सब में कार्बन थोड़ा बहुत ही पाया जाता है। इसके और थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले इसकी क्वालिटीज़ की बात करते हैं कि क्या क्या है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, तो अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँगा, एटॉमिक नंबर की बात करूँगा, तो इसका 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 2 और 4। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में आते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जब भी बॉन्डिंग होती है, किसी भी चीज़ की बॉन्ड बनता है, तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो इसके पास दो चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो क्या करे ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, या तो क्या कर दे, गेन कर ले। तो मतलब इसके, अगर इसको फुल्ली फिल करना है, देखो आपको हमेशा फुल्ली फिल की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी एलिमेंट्स को। अगर किसी भी एलिमेंट्स को, अगर मान लो कि कोई भी एलिमेंट्स है, अगर उसको आपको इसका स्टेबिलिटी चाहिए, इसकी स्टेबल होने की ज़रूरत है, तो उसके लिए फुल्ली फिल्ड होना ज़रूरी है। और फुल्ली फिल्ड होने के लिए लगभग, अगर फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो सेकंड सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। कितने इसके पास? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने? 4 और चाहिए। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है, दे दे किसी को, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ले ले। तो दोनों में से ये कोई सा भी करेगा तो इसका फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि कार्बन, इसीलिए अगर इसको हम टेट्रावेलेंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? टेट्रावेलेंट बोलते हैं। तो ये टेट्रावेलेंट भी हो सकता है इस तरीके से। और उसके बाद जब हम इसमें देखें, देखो अगर ये लेता है, ठीक है, तो ये क्या लेगा? C4- बन जाएगा, और देगा तो C+4 का बन जाएगा। ये चीज़ हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ सोचो, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है, ठीक है, कि उसको होल्ड कर सके। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देने वाला केस ये है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि पूरे एटम को रख सके। क्योंकि अगर मान लीजिए ये एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, ये आपका सेकंड सेल हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि पहले सेल में, तो पहले सेल में तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है। इन चारों के चारों को अगर मैं स्केप कराता हूँ, इनको हटा देता हूँ, तो ये 2 बचेंगे। लेकिन आप एक चीज़ जानते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। दैट मीन्स कि इसके अंदर प्लस का 6 चार्ज पहले से ही मौजूद है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा इसको कि रोक सके। ठीक है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरा केस बात करूँ कि अगर वो ले रहा है, ठीक है, तो लेगा तो 6 पॉजिटिव थे, अब आ गए उसके पास तो कितने हो गए? नेगेटिव के 10 हो गए, मतलब माइनस का 10। इस पे माइनस का से अगर 10 मैं लिख दूँ, -10 का चार्ज आ गया, तो इतना ज़्यादा ये होल्ड करके नहीं रख पाता, इसीलिए ये ना ले पाता है ना दे पाता है। ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं कर पाता। ऐसे बहुत से एटम्स होते हैं जो ऐसा करते हैं, नहीं ले पाते, नहीं दे पाते। अब जो ये नहीं ले पाते या नहीं दे पाते, इनके लिए एक अलग तरीके का बॉन्ड आता है जिसको हम कहते हैं शेयरिंग बॉन्ड। तो इसका नाम हम क्या रखेंगे? शेयरिंग बॉन्ड रखेंगे। ये आपका हो गया शेयरिंग बॉन्ड।
ये शेयरिंग बॉन्ड क्यों करते हैं, ये लोग ना लेंगे इलेक्ट्रॉन ना ही देंगे, तो ये क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जैसे आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये रही आपकी शक्ल, आप अच्छे से स्मार्ट से हंस रहे हैं, और ये आपका मित्र है, आपका मित्र मान लीजिए इस कलर का, ये आपका मित्र है, आपका मित्र हो गया ये, ठीक है। अब आपके पास कुछ क्लॉज से इसने इससे आपसे मांग लिया और आपने इसके मांग ले गए शादी में दोनों, क्या आप अपने क्लॉज जो अपने दोस्त से लिए थे क्या आप उसको हमेशा के लिए रख लोगे? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उससे शेयरिंग करी थी। इसी तरह के ये लोग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम एक नया नाम देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको समझ आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या चीज़ है, कैसे बनता है, वो भी देखेंगे अभी। ये कोवेलेंट बॉन्ड एक कुछ एग्जांपल लेके मैं सिखाता हूँ कि कैसे बनता है। सबसे पहला देखो, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, उसको ज़रूर देखें। तो अगर उसी का एग्जांपल लेते हुए पहला लेते हैं, तो पहला है H2, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस कहते हैं। हाइड्रोजन की गैस की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास, देखिए इसका एटॉमिक नंबर की बात करेंगे इसका, तो हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है, एक इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हो कि जो फर्स्ट सेल होता है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, अभी बताया था। तो दो इलेक्ट्रॉन की अगर ज़रूरत है उसको, तो वो सिंपली क्या करेगा कि जितने लास्ट वाले में आए उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी बॉन्डिंग में आएगा। ये आपका मान लीजिए हाइड्रोजन था, तो एक यहाँ पे आया, ठीक है, दूसरा आपका लेंगे तो एक हाइड्रोजन ये था। अब इस हाइड्रोजन ने क्या करा, उसने कहा भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन दिखा दे, इसने दिखा दिया। इसने क्या कहा, भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन दिखा दे, दिखा दिया। अब रेड वाले सर्कल में देखोगे तो दो इलेक्ट्रॉन है, पर्पल वाले में देखोगे तो दो इलेक्ट्रॉन है, और हमें कितने की जरूरत थी, दो की ही जरूरत थी। तो आराम से ये बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो इनका बॉन्ड कैसे बनेगा, एच, सिंगल बॉन्ड एच, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ समझ आया आपको कि सिंगल बॉन्ड क्या होती है। उसके बाद आगे की बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल है हमारा O2, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। O2 की बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन होता है। कैसे बनेगा, इसका भी एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 8 होता है तो कितना आएगा, 2 और 6, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी कितनी आ गई, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे कैसे, ये ऑक्सीजन लिया 1 2 3 4 5 6 ले लिया, एक और ऑक्सीजन लिया 1 2 3 4 5 6 हो गए। कितने चाहिए इनको, 8 चाहिए, क्या करने के लिए, फुल्ली फिल करने के लिए। तो ये 6 था, इसने बोला भाई तुम अपने 2 दिखा दो, दिखा दिया इसने। इस सर्कल में देखो तो फुल्ली फिल दिखा रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से इसकी बात करेंगे तो ये भी कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। तो जितने पेयर हुए, जैसे ऑक्सीजन, ये एक पेयर हो गया ऑक्सीजन, इसको आप क्या कहोगे, डबल बॉन्ड कहोगे। क्या कहोगे आप इसको, डबल, डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, समझ में आया। आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल आपका नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 7। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 5। तो ये जो 5 है ये आपका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आपके रिएक्शन में यही काम आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो आपका नाइट्रोजन था तो लगा दो 1 2 3 4 5, एक और नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक है। इसने क्या बोला कि भाई तुम अपना दिखा दो इलेक्ट्रॉन, इसने कहा तुम अपना दिखा दो। तो दोनों ने आपस में कहा देखो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। और वही चीज़ हमको करना है, फुल्ली फिल्ड करना है ताकि क्या हो जाए, ये स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए इतनी की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने क्या कहा, इसने इसका 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, ऐसे करके 3 ले लिए, इसने इसके भी 3 ले लिए, एक और आएगा ऐसे करके आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसके। देखो ऐसे दोबारा से बना देता हूँ, ये नाइट्रोजन था 1 2 3 4 5, एक और नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद ऐसे करें, इसने लिया इसके 3 ले लेते हैं, 8 हो गए। इसके बाद इसकी बात करेंगे तो इसने 3 ले लिए, 8 हो गए। अब जो हमारा नया वाला बनेगा, ठीक है, अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो क्या बनेगा, N(NN), तो इसी का हमने क्या नाम रखा, ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज़ समझ में आई कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होती है। उसके बाद तीनों केसेस हमने पढ़ लिए। ऐसे ही अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अगर आप और भी किसी का चीज़ का बनाना चाहें, H2O बनाना चाहें, H2O को हम बेसिकली वाटर कहते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है, बहुत आसान फॉर्मूला है। H2O का देखेंगे तो ऐसे इसमें भी होता है, H2O में एक H हो गया ये आपका, एक हो गया,
ठीक है, उसके बाद ये ओ हो गया, ओ के बाद छः होते हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छः हो गया। एक और ऐसे ले लेते हैं, ये अच्छा हो गया। अब अगर इसकी बॉन्डिंग करोगे आप, ठीक है, तो देखो इसको दो की ज़रूरत है, तो इसने कहा भाई तुम दिखा दो, इसने दो दिखा दिया, इसकी भी दो की ज़रूरत है, दिखा दिया, दोनों फुल्ली फिल्ड होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करेंगे अगर मैं, तो ऑक्सीजन को फुल्ली फिल करने के लिए कैसे होगा, इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, इस सर्कल में देखोगे तो आठ इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल हो गए। अब अगर इसका ओवरऑल डायग्राम बनाएंगे तो H बनेगा सिंगल बॉन्ड, O बनेगा सिंगल बॉन्ड, H बनेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, H2O कहते हैं, वाटर कहते हैं। ये मॉलिक्यूल समझ में आया वाटर का। आगे बढ़ेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चीज़ देखने को मिलेगा कि कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, याद, ओ सॉरी, ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये हमने कोवेलेंट कंपाउंड ले लिया, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला देखो, पहला है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है, मतलब लो होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वीक न्यूक्लियर, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो हमने क्या सीखा कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है या इसकी जो बीपी है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, वो वेरी लो होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है, वो क्या होता है, वीक होता है। और इस वीक होने की वजह से ये आसानी से टूट जाएगा, और टूटेगा तो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा। जैसे हल्की सी हीट देंगे तुरंत ही टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर। क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये लोग, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूँ तो वो क्या हुआ है, शेयर हुआ है, और शेयर में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और आपका इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होगा जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। जब तक फ्लो नहीं करेंगे तब तक क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, नहीं होगी ना। इसी वजह से कि आपका जो ये सब रहेगा, ये सब बैड कंडक्टर में आ जाएंगे या पुअर कंडक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। जब तक आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, ठीक है, जब बनेगा तभी होगी। आगे आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, जो आपने बहुत बार सुना होगा, पेपर में आता रहता है, बहुत बार आता है, जिसको हम कहते हैं वर्सेटाइल नेचर। क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या होता है? देखो, अगर वर्सेटाइल नेचर की बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, कार्बन के, जो सबसे इसको अलग बनाती है। दो कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, पहले की बात करूंगा तो पहला आपका है जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। तो कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, देखिए कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो कार्बन है, कार्बन कार्बन एटम जो होते हैं वो एक दूसरे में लिंक होकर लंबे लंबे चेन बनाते हैं, ब्रांच बनाते हैं। क्या क्या बनाएंगे? चेन बना सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं, और रिंग्स बना सकते हैं, रिंग्स बना सकते हैं, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, तो ये चेन हो गया। ब्रांच की बात करेंगे तो ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, ब्रांचिंग निकल रही है, ठीक है, ब्रांचिंग निकल रही है। रिंग के लिए ऐसे कर सकते हैं, तो ये आपका रिंग हो गया। रिंग में क्लोज पाथ होता है, चेन में ऐसा होता है, और ब्रांच में भी ऐसा होता है, ठीक है, तीनों में आ गया। अगला आता है आपका दूसरा, दूसरे की प्रॉपर्टी का नाम है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी क्या होती है वो देखें। टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है जो भी आपके कार्बन होते हैं, ठीक है, जो भी आपका कार्बन होगा वो क्या करेगा, अलग अलग चार अदर कंपाउंड, चार अदर एलिमेंट के साथ क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेट्रावेलेंसी। इसका मतलब ये कार्बन है एक दो तीन चार, ठीक है, अगर मैं मान लूँ एम एन ओ पी, तो चार अलग अलग लोगों से भी ये बॉन्ड बना सकता है। तो अगर आप इसके आसान भाषा में बात करें, इजी वे में, तो ये लिख सकते हैं कि कार्बन के पास फोर हैंड हो सकते हैं। इसका मतलब चार हाथ होते हैं कार्बन के पास। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आपका आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर मैं लिख सकता हूँ, ये सैचुरेटेड लिखा मैंने, और दूसरा सैचुरेटेड एंड
अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, देखो ये क्या होते हैं, सिंपली चीज़, ये आपके जो भी सैचुरेटेड आएंगे, सैचुरेटेड में आपके सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले रहेंगे वो सैचुरेटेड में रहेंगे। अनसैचुरेटेड में आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। जितने सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन, लास्ट में ध्यान से देखना, एल्केन इसमें होता है जो, उसको हम बोलते हैं एल्कीन बोलेंगे, एल्कीन, और इसमें जो होगा आपका वो एल्काइन होता है, ठीक है। वाई एन ई होता है इसमें, ई एन ई, और इसमें ए एन ई, सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये था आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। फिर इन सब के जनरल फार्मूला होते हैं, जनरल फार्मूला मतलब अगर हम इसका मॉलिकुलर फार्मूला बनाना चाहें और हमें नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पता हो तो कैसे बनाते हैं वो देखिए, सी एन एच टू एन माइनस टू हो गया तो ये आपका बन गया, इसकी बात करेंगे तो ये आपका होगा सी एन एच टू एन हो जाएगा, ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो सी एन एच टू एन माइनस टू हो जाएगा। ये आपका पूरा बन गया कि कार्बन कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ठीक है, वैसे तो आ गया होगा समझ में। उसके बाद जो इसके बाद का टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब बताता हूँ, वो सब जो है, ठीक है, वो सब मैं कराऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है तो वो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नेक्स्ट पार्ट का जो लिंक रहेगा वो दिया रहेगा, वहाँ से क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड, टेंथ क्लास से रिलेटेड आपको कोई सा भी वीडियो लेक्चर देखना है, ठीक है, साइंस में जो भी हो आपको देखना हो, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और चैनल पर जाके वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक काम करना, इसको वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है, और क्या कर देना, लाइक वाइक सब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर रहोगे तो आपका बेनिफिट रहेगा, कैसे बेनिफिट रहेगा, आपको जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा, न्यू वीडियो अपलोड करूंगा, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी अब यहाँ तक अगर आप रुके हो तो आपके लिए एक बेनिफिट बता देता हूँ, जो मैं हर बताता हूँ हर उसको जो लास्ट तक वीडियो देखता है, उनके लिए बेनिफिट ये है कि अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर्स के तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो उसके लिए लिंक में ही, वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है मेरे इंस्टाग्राम पे, और मैंने हमेशा से बार कहा रखा है कि आप मुझको फॉलो सोलो ना करें, ठीक है। आप सिंपल क्या करें, वहाँ पर जाके मुझे एक मैसेज कर दें कि मुझे इस चैप्टर का, इस कॉन्सेप्ट का मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।